पुष्पेंद्र यादव के फर्जी एनकाउंटर के विरोध में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लेकर हरदोई में कांग्रेसियों ने रोड से लेकर कलेक्टर परिसर तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने झांसी में पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर और कानपुर के कांग्रेस नेता शोएब खान की हत्या के दोषियों को फांसी दी जाए और मौजूदा सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदर्शन ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें झांसी के पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर व कानपुर के कांग्रेस नेता शोएब खान की हत्या पर नाराजगी जताई गई है। वहीं कांग्रेस नेता आशीष सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो फर्जी एनकाउंटर कर रही है और कानपुर में कांग्रेसी नेता शोएब खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, हमारी मांग है कि जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस की दम पर तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुष्पेंद्र यादव, आज हमारा विरोध प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश की सरकार जो फर्जी एनकाउंटर कर रही है उसके खिलाफ है। अभी आपने देखा झांसी में जिस तरीके से भाजपा जिला अध्यक्ष का वीडियो ऑडियो वीडियो भी वायरल है कि उन्होंने किस तरीके से पुलिस से दबाव बनाकर पुष्पेंद्र यादव को फर्जी एनकाउंटर कराया। हमारी मांग है 302 का मुकदमा पंजीकृत हो और जो सिटिंग बेंच हाई कोर्ट की उसके द्वारा इसकी न्यायिक जांच की जाए। दूसरा, अभी युवा कांग्रेस के हमारे नेता हैं शोएब खान जी कानपुर के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बस्ती में हत्याएं हुई हैं, लगातार हत्याएं पर दर हत्याएं हो रही हैं, सरकार सो रही है। सरकार को जहां भी लगता है कि कोई भी विपक्षी दल का नेता या सामाजिक कार्यकर्ता उसके भ्रष्टाचार के रास्ते में रोड़ा अटका रहा है उसका एनकाउंटर कराया जा रहा है, ये सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस गुंडागर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आज इस विरोध मार्च निकाला है, हम ज्ञापन देने आए, हम ज्ञापन देंगे। यह सरकार नहीं चेती तो माननीय शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस पर हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आप देखिए कि क्या जरूरत थी पुलिस को कि रात के 12 बजे हिंदू रीत रिवाज के विपरीत रात के 12 बजे पुष्पेंद्र यादव के शव को जलाया गया, किस तथ्य को छिपाने के लिए जलाया गया। अगर दौड़ाकर एनकाउंटर हुआ तो मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि पहली गोली पैर पे मारी जाती है, सीधी गोली शार्प जो निशाना है वो उसके सर पे सामने से कैसे लगा, जब गाड़ी भाग रही थी तो पुलिस ने क्या सामने गाड़ी खड़े होकर गोली मार दी। कई तथ्य हैं जो जांच के दायरे में हैं और एसओ और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं झांसी पर मुकदमा दर्ज हो, कानपुर के अंतर्गत युवा कांग्रेस के नेता जिन पर दिनदहाड़े जिनकी हत्या हुई उनके लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजे जाए और ये फर्जी एनकाउंटर की परंपरा बंद होनी चाहिए। सरकार की तानाशाही है, ऐसी सरकार जो जनता को सुरक्षा और न्याय न दे सके उस न्याय सुरक्षा की मांग करने वालों का एनकाउंटर हो, ऐसी सरकार को राज्यपाल महोदय को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार को एक भी पल नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का हक नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।